अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, लोग आइल्स करते हैं और जो लोग आइल्स के लिए एडमिशन नहीं लेते वो देखना चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश किस लेवल की है, तो उसी लिए मैं एक वेबसाइट लेकर आया हूं जहां पे आप फ्री में आप इंग्लिश टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आइल्स के बारे में सोच रहे होंगे या जिन्होंने आइल्स के एग्ज़ाम दे दिए होंगे या जो देने वाले होंगे, तो उनकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। अब जो है, आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जो है आप फ्री में टेस्ट का जो है रिज़ल्ट चेक कर लें और आप फ्री में कोई टेस्ट दे लें, आप अपना लेवल चेक कर लें, ना कि ये कोई सर्टिफिकेशन है, आप अपना लेवल चेक कर लें कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हैं। तो इसी के लिए मैं आपके सामने एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आके आप सिंपली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे देखें आप इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पर इनकी तमाम डिटेल दिख रही हैं आपको, ये डेली स्टोरीज़ वगैरह और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो है अपने टेस्ट के लिए अटैम्प्ट करना है, तो टेस्ट के लिए अटैम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट योर स्पोकन लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपके इंग्लिश स्पोकन लेवल का टेस्ट होगा। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है ये स्मॉल टॉक इंग्लिश स्पीकिंग लेवल टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे है बिफ़ोर यू स्टार्ट, आप ये चीज़ पढ़ लें कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितना आपके पास टाइम है और तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनकी कि क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। तो उसके बाद आपने जब ये पढ़ लें तो उसके बाद आपने सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखें ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आपके टाइमर स्टार्ट हो गया है और ये आपके 13 क्वेश्चन हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन ये आ चुका है। ये पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा माय नेम इज़ एहसन हाशिम। देखिए, अगले क्वेश्चन पे चला गया। तो इस तरीके से आपका ये टेस्ट लेता जाएगा। अब इसने पूछा व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ये देखिए, ये तीसरे क्वेश्चन पे चला गया है और अब यहाँ पे जो है ना इसने बोला है प्रोनाउंस द फ्रॉम द गिवन पिक्चर। ठीक है, आप ये पढ़ के इसको बताएं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू बिलीव दैट देयर इज अ हेल। ये देखिए, ये अगले क्वेश्चन पे चला गया। इस तरीके से आपने 13 क्वेश्चन जो हैं वो कम्प्लीट करने हैं। मैं जल्दी जल्दी इधर से कम्प्लीट करता हूँ ताकि मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा सकूँ। अच्छा दोस्तों, ये भी आपके सामने आएगा। ये देखें, ये इतना बड़ा एक पेज है, ये आपने टेक्स्ट जो है वो रीड करना है और ये पूरा का पूरा। ठीक है, और आपको इसके अंदर मिलते हैं तकरीबन 3.5 मिनट, 3.5 मिनट के अंदर आपने ये पूरा रीड करना होता है और फिर आपके ये मार्क्स के अंदर कैलकुलेट होता है जो फाइनल आपका डिसीजन आता है रिज़ल्ट का इसके अंदर, ये फ्री वेबसाइट का आपका टेस्ट का। तो मैं इसको सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको दिखा रहा है कि आप यहाँ पे टेल अस अबाउट योर फूड हैबिट्स। ठीक है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है, 2 से 3 मिनट आपने इस पर बोलना है, बात करनी है। तो एक क्वेश्चन इनका ये आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर ये फ़ोटो दी हुई है, सही है, 2 से 3 मिनट आपने बोलना है, इसका जवाब देना है, इसका जवाब देना है, ये क्वेश्चन दिए हुए आपने इस फ़ोटो को देख के और इसी में से जवाब ढूंढ के आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। ये लिसनिंग टेस्ट है, इसमें जो है एक आवाज़ आपको सुनाई जाएगी और आपने उसका आंसर करना है। सुनिए आवाज़। देखें, इस तरह का ये सवाल होगा और आपने जो है इसका जवाब देना है बोलकर ही,
तो ये खुद डिटेक्ट कर लेगा आपका जवाब जो है, ये खुद डिटेक्ट करके आगे क्वेश्चन पे चला जाएगा। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं किसी सवाल का फ़िलहाल जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैंने शुरू में एक दो सवालों के जवाब दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है वो दिखा रहा हूँ, ताकि इस ये वीडियो जो है वो बहुत लेंदी ना हो जाए, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए। तो डिस्क्राइब द लास्ट सिचुएशन व्हेन यू गॉट एंग्री। ठीक है, आपको गुस्सा कब आया हुआ अभी, तो आपने ये जो है सिचुएशन जो है ये डिस्क्राइब करनी है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट आपने बोलना है इस पर। यहाँ पे आपका टाइमर भी चल रहा है, तो ये सिचुएशन आपने बतानी है। नेक्स्ट करते हैं। यू आर कंसिडरिंग गोइंग ऑन अ कैंपिंग ट्रिप विद अ ग्रुप अस द लीडर। ठीक है, इस सवाल का भी आपने जवाब देना है। मिनिमम एज क्या है और प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप क्या है, तो इसका सवाल का जवाब आपने देना है। इस पर भी आपने ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट बोलना है। फिर मैं फिनिश करता हूँ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो ए ये एक एनालाइज करेगा, यहाँ पे आपको जो है आपका जो जो जवाब दिए हैं आपने वो रिकॉर्ड हुए हुए होंगे। ठीक है, तो वो आप सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग, और इसके बाद यहाँ से एनालाइज करते हैं हम। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद कुछ देर आपने वेट करना होगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसा भी होगा आपके सामने जो है शुरू के जो क्वेश्चन आ रहे थे पिक्चर वाले, तो उसके अंदर पिक्चर जो है वो आपकी देर से लोड होगी, क्योंकि आपके इंटरनेट स्लो का इशू हो सकता है। तो वहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये देखें, ये एनालाइजिंग कर रहा है आपके तमाम जवाबों को, और उसके बाद आपको रिकमेंडेशन देगा, आपको बताएगा। तो हम वेट कर लेते हैं इनका। ये देखिए, मेरे पास भी इतना ही टाइम लग रहा है, तो आप ज़रूर वेट कीजिएगा। आप जो है इसको कैंसिल मत कीजिएगा। मैं आपको पूरी वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ अब कि आप वेट कितना करना पड़ सकता है कि आप कैंसिल कर दें, कि ये लोड हुए जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे ही ये लोड कर लेगा फिर आपको ये रिज़ल्ट रिपोर्ट दे देगा। हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना पड़ जाए आपके इंटरनेट की वजह से, या ये एनालाइज जो कर रहा है आपकी बातें, तो वो जो है इसको एनालाइज करने में टाइम लग जाए। तो आप पेशेंस रखिएगा, आप घबराइएगा नहीं, आप सिंपल वेट कीजिएगा। आपको जितनी देर भी वेट करना पड़े आप इसको क्लोज़ नहीं कीजिएगा। क्लोज़ कर देंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप वेट कीजिएगा ताकि आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाए। आपको ये क्या रेकमेंड करता है वो भी आपको बताएगा, और तमाम चीज़ें आपको सामने लेकर आ जाएगी। आपका रिज़ल्ट जो है वो लोड हो चुका है। यहाँ पर आपके तमाम जवाब आपको मिल जाएंगे कि आपने क्या क्या जवाब दिए हैं, आप सुन भी सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपका स्कोर नज़र आ रहा है B1 इंटरमीडिएट। ठीक है, आपका जो स्कोर है वो B1 है। वोकैबुलरी जो है ये है। इस तरीके से आपका जो है तमाम इसने चीज़ें दे दी। ग्रामर अपर, ठीक है, और थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। जर्नल क्या था, 262 वर्ड थे, 6 मिनट में आपने किए हैं। आपकी आज की ये डेट है। थिंग इम्प्रूव, अभी आपको रेकमेंड कर रहा है। यू यूज़ ओनली 2 एडवाइज्ड ग्रामर कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है दूसरी एडवाइस इन्होंने दी है, ओनली 11% ऑफ योर सेंटेंस हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, और तीसरी दी है, योर स्पीड ऑफ स्पीच एंड पाउजिंग आर ब्लोइंग नेटिव लेवल। फिर ये तीसरा आ जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने आपको जवाब दिया है। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि क्या 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 चीज़ें हैं। तो आपको तमाम जो अपडेट दे रही है ये वेबसाइट रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग,
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको आपके ही रिगार्डिंग डिटेल मिल रही है। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्रामर, तो ये पूरा रिजल्ट आपका बना हुआ है। ये देखें कितने एरर आए थे और कितना स्पीच में एरर आए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर नीचे आता हूँ। ये देखें यहाँ यहाँ आपने एरर आए हैं आपके, और ये वर्ड जो है आपसे पढ़े नहीं गए हैं। तो इस तरीके से जो है ये तमाम रिजल्ट आपको शो करवा रही है वेबसाइट। वोकैबुलरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है चीज़ें बता रहा है आपकी तमाम चीज़ें। तो ये वेबसाइट है पूरी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वेबसाइट से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इस वेबसाइट से वाकई हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे बताएं कि आपको वाकई हेल्प मिली है, तो मैं आपको इस तरीके की और वेबसाइट रेकमेंड करूंगा, आपको बताऊंगा कि एक्सप्लोर करूंगा कि आपको किन वेबसाइट से आपको क्या चीज़ें आराम से ईजिली मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।